थाना अध्यक्ष की ऐसी विदाई क्षेत्रवासी देखकर रह गए दंग। देखने में कुछ अनोखा जरूर लग रहा है, या थाना अध्यक्ष है या कोई नेता। देखा जाए तो ऐसा किसी नेता का भी स्वागत या विदाई नहीं होती जिस तरह से थाना अध्यक्ष मंगलपुर तुलसीराम पांडे की विदाई की गई। उसे देखकर यह लग रहा था कि किसी धार्मिक कार्य की शोभा यात्रा निकल रही है। जैसे ही लोगों को पता चला कि थाना अध्यक्ष का स्थानांतरण थाना मंगलपुर से रसूलाबाद हो गया है, क्षेत्रीय जनता से रहा नहीं गया और उनकी विदाई की तैयारी कैसी की गई मानो किसी दूल्हे की बारात जा रही थी। रथ मंगाया गया, बैंड बाजा और जो भी उनसे मिलने पहुंचा माला और गिफ्ट लेकर ही पहुंचा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए आए दिन कुछ गलत ही सुनने को मिलता है, लेकिन कानपुर देहात के थाना अध्यक्ष तुलसीराम पांडे की विदाई को देखकर सभी की आंखें नम हो गई हैं। सैन्य की चरिया बनने में देर नहीं लगेगी और इसलिए उनका सबसे अधिक परम सहयोग रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे नेतृत्व के तहत बदलते तत्व दे रखा और हम सभी बच्चों को सभी दादा को रक्षा करने जाने वाले हैं। रोल भैया, क्या नाम है आपका? अजय कुमार नाम है। आज क्या कार्यक्रम था थाने पे? आज थाना मंगलपुर में माननीय थाना इंचार्ज महोदय जी का विदाई समारोह था और जो कि बड़े धूमधाम से आज मनाया गया है, और हमारे थाना इंचार्ज जो है ना तुलसीराम पांडे जी, वो इस मंगलपुर थाने की मानो की एक तरीके से मानो की शान रहे हैं, और उन्होंने 14 महीने में जो यहाँ थाने में जो कर दिखाया है वो बड़ा यादगार और सराहनीय विषय है, और उनके नेतृत्व में काफ़ी यहाँ दरोगा जी रहे, हमारे केपी राजन सर हैं और भी काफ़ी लोग उनके नीचे काम किए हैं, वो भी मतलब उनका आज विदाई समारोह है। एक बहुत वो जा रहे हैं, उनका रसूलाबाद ट्रांसफ़र हो गया है, एक बड़ी दुख की बात है, और उनके नेतृत्व में जो भी मंगलपुर या कानपुर देहात के इस क्षेत्र में जो भी काम हुआ है वो बड़ा सराहनीय काम हुआ है। क्या कैसा लग रहा है आज उनकी विदाई हो गई है थाने से, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज उनकी विदाई हुई है, ये मानो कि थाना बिल्कुल खाली खाली सा महसूस हो रहा है, और उनके इस 14 महीने के कार्यकाल में मंगलपुर की हो या झिझक की हो, पब्लिक उनसे या स्कूल के बच्चे उनसे इस तरीके का लगाव हो गया था, इस तरीके से घुल मिल गए थे कि मानो थाना नहीं, थाना अध्यक्ष नहीं, एक तरीके का बिल्कुल परिवार हो या घर के तरीके से बिल्कुल एकजुट होके रहते थे। पुलिस प्रशासन और नागरिक में कोई फर्क नहीं था। कानपुर देहात से रजनेश कुमार की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज़।